आप मत बोलिए भैया, देखिए आपके पास माइक लेके आऊंगा तो अपने दिल की बात बताना। खान साहब कौन के दिल की बात बताने दीजिए, दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए अभी। अरे हाँ, दिल पे। मध्य प्रदेश का सर्वे क्या है, मध्य प्रदेश की आम जनता क्या चाहती है, मध्य प्रदेश की गद्दी पर किसको जनता बिठाएगी, यही जानने आया हूं। और ये बागली विधानसभा है और इस विधानसभा में हालांकि आजादी के बाद महज एक बार कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल पाई थी, लेकिन अब तक उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन जनता जनार्दन को क्या शिवराज सिंह चौहान ने अपना बनाया, यह लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने धोखा दिया और जनता अब की बार कमलनाथ को कुर्सी पर बिठाएगी। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाबा मेरे साथ हैं, पीछे कुछ महिलाएं हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। कौन सी जगह है बाबा भाई साहब? ये बागली नहीं, बागली तो विधानसभा है, ये जगह कौन सी है? ये शिवाय चौराहा वार्ड नंबर 14, शिवाजी चौराहा। अच्छा एक बात तो बताइए खान साहब, क्या नाम है आपका? जामिन खान। खान साहब एक बात बताइए, क्या नजर आ रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि जनता जनार्दन तक, गली खूंचे तक, चौराहे चौक चौराहे तक, मोहल्ले मोहल्ले तक अगर जहां मैं पहुंच पाऊं तो वहां की जनता से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मामा धोखेबाज निकले, क्या लगता है कि इस चुनाव में मामा को हटाकर अब की बार कमलनाथ जी को कुर्सी पर बिठा देना चाहिए? नहीं आए कमलनाथ जी, नहीं आए शिवराज मामा ही आएंगे फिर से। शिवराज मामा ही आएंगे। और जो हमारे गांव के प्रिय विधायक खड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका? मुरली जी भरवा, वो भरी मतों से बागली विधानसभा से जीतेंगे। हम तो हमारे क्षेत्र की जवाबदारी लें। हाँ, अपने क्षेत्र की जवाबदारी। हाँ हाँ, फिर से बागली विधानसभा से बागली विधानसभा से मुरली भवरा ही जीत पाएंगे, जीतेंगे। अरे वो तो पहली बार प्रत्याशी बने, ये बताइए आपने कार्यकाल तो कमलनाथ का देखा होगा, कांग्रेस का देखा होगा, कार्यकाल तो भाजपा मामा का देखा होगा, इसमें डिफरेंस बताइए। तो नया प्रत्याशी है, नए प्रत्याशी पे क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस का बताओ, कांग्रेस कह रही है रहनुमा है मुसलमानों के। नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। शिवराज मामा अच्छा काम कर रहे हैं, वही आएंगे। मामा के दीवाने हैं ऐसा कोई? वो जो पीछे बोल रहे वो आप बोल रहे हो? अरे आप अपने आप मत बोलिए भैया, देखिए आपके पास माइक लेके आऊंगा तो अपने दिल की बात बताना। खान साहब कौन के दिल की बात बताने दीजिए, दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए अभी। अरे हाँ, दिल पे। अब ये बताओ मामा की सरकार बनेगी, वो आएंगे सब। ऐसा कोई नहीं है कि अलग अलग मुसलमान के रहमनों का कांग्रेस है, वो नहीं है। कोई किसी को खाने को नहीं देता, वहाँ अच्छे काम है शिवराज जी के। मामा ने अच्छे काम करे, मुसलमान की 14 योजना दी है, पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, लाभ नहीं ले पाते हैं। वक्त बोर्ड में मैं आता जाता रहता हूँ, सब देखा है। और हमारे यहाँ बागली में भी लाभ दिया उनने, और हर जगह से भी। वो तो सरकार तो शिवराज मामा की बनेगी, मामा की बनेगी। चाहते नहीं हो कांग्रेस की बन जाए? नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं। कई सालों से देते आ रहे हैं, क्या करा कांग्रेस ने? क्या करा हमारे लिए? ना कोई बड़े आप कोई पद पे थोड़ी बिठा दिया हमारे को, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा भाई साहब इधर आइए, आप जरा इधर आइए, पीछे मत रहिए, आप भी आगे आइए, देश की जनता इस बार आगे बढ़ चढ़ के वोट देगी। आपका क्या मन है? भाई साहब ने तो कह दिया, खान साहब ने, कि कांग्रेस नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि मामा आए कि कांग्रेस आए? मामा जी आएंगे, मामा जी आएंगे। मामा जी क्यों आएंगे? अच्छे काम है उनके, अच्छे काम है, योजना अच्छी निकाली है सब मामा जी ने जी। कांग्रेस पार्टी भी तो अच्छी है, वो भी कह रही है हम योजनाएं तो हम आग बहुत बढ़िया निकालेंगे। 101 वचन पत्र में लिखा है उन्होंने योजनाएं। नहीं नहीं बिल्कुल, इन्होंने जो बोला वो करा है। अच्छा, हमको हर योजना का लाभ मिला है, हर योजना का लाभ मिला है। मुसलमान में हिंदू में है भेदभाव तो नजर नहीं आया? कोई भेदभाव नहीं। खान साहब ये बताइए, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया क्या? कोई भेदभाव नहीं है आज तो तक कांग्रेस ने क्या करा? ये जो गरीब भाई बहन होने 1000 रुपये महीना चालू कर दिया उनका, कुछ तो भी तो फायदा मिला उनका। कभी घर मकान कई सालों से कई वर्षों से टूटे थे, आज पक्के मकान हो गए बागली में। आधे जैसा मुश्किल से 2-4 मकान ही कच्चे मिलेंगे गली गली में, हर जगह पक्के मकान है। अच्छी योजना है, बढ़िया है, बढ़िया लोग है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? जहूर साहब। जहूर साहब, ये बताइए
आप जब भैया बोल रहे थे तो आप भी अपनी कुछ बातें बता रहे थे, अब आप खुल के बताइए, माइक आपके सामने, कैमरा आपके सामने है, क्या हवा है, मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है, क्या उसको योजना का लाभ मिल पाया या फिर मुसलमानों से भेदभाव हुआ? अब की बार मुस्लिम चाहता है कि मामा को हटाओ और कमलनाथ को बैठाओ। मामा ही आएंगे, उनकी योजना का जो लाभ सभी को मिला, हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं रखा है, इसलिए मामा ही आएंगे। मामा की योजना है बहुत सारी है। क्या योजना मिल गई कि मामा आएंगे? आवास योजना ही एक ऐसी योजना है, लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। इसमें आपको भी मिला है आवास की? आप बस सभी को उठा रहे हैं? नहीं नहीं, सभी को मिला है। और आप किस कहीं पे भी जाओ सभी लोग यही बोलेंगे, हमारा मुस्लिम क्षेत्र है 9 नंबर वार्ड, जिसमें पार्षद जो जीते हैं वो 9 नंबर से भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं, वहाँ पर से वो मुस्लिम वार्ड में जीते हैं। अच्छा। आप इससे अंदाजा लगा लो आपके यहाँ पे क्या है। तो पार्षद जी जीत के कुछ काम भी करा पाए कि हिंदू मुस्लिम खेलते रहे? काम कर रहे हैं तभी तो वो जीते हैं। तो विधायक का चुनाव आ गया, ना तो मामा ही आएंगे। मामा मामा आएंगे इसमें भी पक्का? हाँ मामा ही आएंगे पक्का। बाबा आप बताइए जरा, ये क्या नाम है आपका? अब्बास शाह। अब्बास शाह बाबा ये बताइए, आपने तो छिंदवाड़ा वाले दिग्विजय सिंह भी देखे होंगे, कमलनाथ भी देखे होंगे, भी देखा मैंने तो, पहला जो चुनाव हुआ था जो वो गाय बछड़े का निशान था, बेल जोड़ी का निशान था, देश आजाद होने के बाद पहले नेहरू जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से देखते आ रहे हैं सभी चले आ रहे हैं। अभी जो 17 साल से इनको इनकी सरकार भी देख रहे, 16-15 साल कितने रहे ये लोग। तो कुल मिला के क्या है कि जिसकी सरकार रहती है और हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान वाली जो बात करी आपको, ये तो कई मिसाल मिलेगी नहीं बागली छोड़ के। बागली की तो मिसाल देते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ पे नहीं है कोई फर्क वाली बात। अगर हम कोई नहीं है फर्क ऐसा हिंदू मुसलमान का यहाँ पे नहीं है, वहाँ और कई जगह हो उसके मामले में हम नहीं बोल सकते। अरे तो मामा ने तो किया होगा, अलग अलग किया होगा। नहीं मामा ने नहीं करा, हमको काय को करेगा मामा? क्यों करेगा मामा से क्या तकलीफ हमको? मामा ने कहीं भी नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हमने। तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि मामा फर्क करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, वोट पाती है। ये तो राजनीति दल है, इनका जो भी मुद्दा है वो करते रहते हैं ये तो। इनको तो कुर्सी के लिए सब करेंगे। हाँ तो क्या नजर आ रहा है आपका दिल किस तरफ धड़क रहा है? मामा को लाना चाहते हैं कि लग रहा है कि नहीं मामा को हटाओ कमलनाथ जी को बिठाओ? को मेरी बात सुनो, अभी जो है अभी की पोजीशन जो है यहाँ पे जो है भवरा जी यहाँ से तो जीतेगा। अच्छा। मुरली भवरा जो यहाँ का विधायक जो है प्रत्याशी है, बागली विधानसभा का, आगे की तो फिर मालिक जाने साहब, जनता जनार्दन है। आप अपनी विधानसभा की गारंटी ले रहे हो? यहाँ कमल खिलाओगे? यहाँ तो है ऐसा, तो कमल जो खिलाओगे आप जी। ऐसा नहीं लगता कि एक बार कमलनाथ जी को बिठा देना चाहिए? कमलनाथ जी अच्छे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, वो तो कहती है कि मुस्लिमों के बारे में सोचा तो कांग्रेस ने सोचा है, भाजपा ने तो कभी सोचा ही नहीं मुसलमानों के बारे में। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बात सुनो, इतने सालों से इनके राज में रहे, किनके साथ क्या हुआ ये वो बताएंगे, जिनके साथ कुछ घटना घटी हो, हमारे साथ तो नहीं घटी। अच्छा। हाँ, योजनाओं में हिंदू मुसलमान तो नहीं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ कुछ भी ऐसा अभी योजना। हाँ, ये अभी आवास योजना में जो मकान बने सभी के बने हैं यहाँ पे। हाँ। हिंदू के भी बने, मुसलमान के भी बने, दूसरी जात के भी बने। हाँ। कोई उसमें ऐसा वो नहीं करा यहाँ पे, और जहाँ पे करा होगा वो वहाँ के लोग जाने। हाँ। अपने यहाँ एक बार मौका दे दें कांग्रेस को, एक बार तो दे दो। नहीं, ये तो अब जनता के ऊपर है साहब, आपका मन क्या है आप बताओ। नहीं, हमारा मैं तो हमारा तो एक चक्कर जो है उनको देने का विचार पीछा हो रहा है। मामा को? हाँ, मामा को खान साहब भाई का मामा। हाँ जी मामा। मामा कौन से मामा? कमलनाथ मामा? शिवराज मामा। कमलनाथ मामा? शिवराज मामा। अरे राहुल मामा भी बन सकते हैं? नहीं, शिवराज मामा। शिवराज क्या कर दिया? जादू? नहीं जादू नहीं, काम कर रहे हैं ना। क्या नाम है? हरिशंकर्मा। हरिशंकर्मा। अच्छा, काम है। हाँ। इसलिए काम है। चलो भाई से बात करते हैं जरा, इधर आइए। बहुत ऊपर खड़ी हो गई, और ऊपर चली जाती, नीचे आओ, इधर आइए, यहाँ आइए, मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? हसी छोटी है? छोटी नहीं, नाम क्या है? हाँ, छोटी। छोटी ही नाम। हाँ। है। अच्छा ये बताइए, क्या मन है? मामा को जानती है कि नहीं जानती? हाँ। हम आपको खाने के लिए गेहूँ भी दे रहे हैं, खाने के लिए गेहूँ भी दे रहे हैं, हम आपको पेंशन भी दे रहे हैं, अब उनको ही देना है जो भी हमको देना है। जो कौन दे रहे हैं? मामा।
कौन से मामा, क्या नाम है मामा का? शिवराज मामा। शिवराज मामा? हाँ, हम तो उनके ही साथ हैं। मामा के साथ? हाँ। क्या दे दिया मामा ने? के मामा के साथ मामा ने हमारे को हमारा घर बना के दिया। घर बना दिया? हाँ। आपका? हाँ, छत वाला घर बना के दिया हमारे को। पहले घर कैसा था? कच्चा था। क्या होता था कच्चे घर में? पानी घुसता था, जानवर घुसते थे। हाँ। सांप बिच्छू घुसते थे। हाँ। अब हमारे लिए पक्का घर बना दिया हमने। पक्का घर बना दिया? हाँ, अच्छे हैं हम। तो कह रहे एक बार कांग्रेस को देख लो। तो हमको उनने कुछ दिया ही नहीं है। अब कांग्रेस ने पहला तो छोरी उनका निकल नहीं बान अंदर से भार कर भारी नहीं निकलती थी छोरी उन्हों। और अबे छोरी उन्होंने स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिल, मारुति, इतना तो कर दिया उनने कि छोरी उन पढ़ लिख रही हैं तो बाहर निकल रही हैं। पहला तो छोरी उनका अंदर ही अंदर रहना होता था। छोरी ने अंदर ही अंदर रखती थी? हाँ। मामा ने क्या जादू कर दिया छोरी ने बाहर निकाल रही हो? तो उनका पेट तो भर रही है खूब अच्छे सही तरीके से। अच्छा। हाँ। लाडली बहना मिलता है? लाडली बहना 600 रुपए मिलता है मेरे को। हाँ, आपको विधवा वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ। बुजुर्ग पेंशन? हाँ। 600 रुपए? हाँ। काकी के नाम छे? मेरा नाम लक्ष्मी बाई नाम है। लक्ष्मी बाई? हाँ। ये बताओ मामा को जानती? जानते है। कौन है मामा? शिवराज मामा। कौन है मामा? शिवराज मामा। कौन है मामा, नाम बताओ? शिवराज चौहान। शिवराज चौहान? हाँ। वो जानती मामा को? जानते हैं। वो तो कहते मामा झूठे झूठे। क्यों है झूठा? वो बेचारा हमको अनाज दे रहा, रहने के जगह दे, हमारे लोगों के झोपड़िया बंधवाई तो हमारे को विधवा पेंशन मिल रही, तो वही मामा है हमारा शिवराज चौहान। बस बस सब कुछ दे दिया मामा ने? दे दिया हमारे को। तो क्या क्या दिया जरा बताओ? हमारे को अनाज देते है। हाँ। हमको रहने के जगह दी। हाँ। हमारी पेंशन दे रहे। हाँ। और क्या दिया? यही दिया और क्या दिया? वो कह रहे मामा तो झूठ बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। मामा को तो हटा दो। नहीं नहीं नहीं, हरा दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं हराओगी? नहीं हराएंगे। नहीं हराएंगे, पक्की बात है। पक्की बात है। वो कह रहे कमलनाथ को जिताओ। जानती हो कमलनाथ को? हम जानते नहीं है कमलनाथ को, हम इतने मोहल्ले में बैठे हैं। राहुल गांधी को जानती हो? राहुल गांधी का नाम सुना भैया, जानते नहीं। पहचान लोगी? पहचान लेंगे। अच्छा। हाँ? कौन सी पार्टी के हैं राहुल गांधी? अब हमको क्या मालूम, हम तो लिखे पढ़े भी नहीं है, कुछ भाषण भी याद नहीं है हमको, हम क्या जाने। अच्छा, दिग्विजय सिंह को जानती हो? नहीं जानते। मामा को जानती हो? हाँ, मामा को जानते हैं। मामा का नाम भी जानती हो? जानते हैं। क्या नाम? शिवराज चौहान। शिवराज चौहान। ये तस्वीर है, कह रही है दिग्विजय सिंह को नहीं जानती हूँ, मामा को जानती हूँ। इधर आओ, नाराज हो क्या मेरे से? चलो तुम ऊपर चढ़ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ तुम नाराज हो? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये बोल रही कि मैं मामा को जानती हूँ। हाँ। क्या नाम है मामा का? शिवराज। शिवराज चौहान। शिवराज चौहान। क्या दिया मामा ने? हाँ, मामा को दिया। क्या दे दिया मामा ने? मामा ने अभी क्या ये दिया, ये नाच पानी ने, ये ने मकान अकान बनाए करे। मकान भी बन गया? हाँ। तो खुश हो? हाँ। पहले मकान कैसा था? लाता सबका ऐसा ही था। हाँ। वो सब दूर बनाया के नहीं, वो नाच पानी ने सब मिलता है हमारे को। तो कह रहे मामा को हरा दो। हाँ, कहीं नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं है, ले नहीं देंगे। नहीं, मामा को लाओगी? हाँ, मामा को। इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? नीचे आओ। क्या नाम है बेटा? अंजुम नाम है मेरा। अंजुम? हाँ। ये बताओ आप ही जानती हो? जानते है, जो नहीं जानते? किसको? शिवराज सिंह चौहान को। मामा जी? मामा जी। आपके मामा जी है ही सही ना? है ना। मामा जी ने क्या दिया, क्यों खुश हो मामा के नाम पे? क्या नहीं दिया ये बताओ, क्या नहीं दिया? सभी चीजें दी ना। क्या था यहाँ पर? लाइट थी? नहीं थी। पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। क्या था? सड़कें नहीं थी, गड्ढे वड्ढे रहते थे। सभी चीजें तो दी, क्या नहीं दिया? सभी चीजें दी मामा ने। सब कुछ दिया? सब कुछ दिया। वो तो कह रहे झूठ बोलते हैं मामा। नहीं बोलते ना, कैसे बोलते हैं? बोलते सही है ना वो तो। जो मामा को हरा दो, अब की बार हरा दो मामा। कैसे नहीं हारेंगे, जीतेंगे मामा, जीतेंगे। कह रहे हटाओ मामा को। आएंगे एमपी में, आएंगे 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 आएंगे। वो कह रहे कमलनाथ जी आएंगे। जानती हो कमलनाथ को? कमलनाथ को नहीं जानते। दिग्विजय सिंह को? राहुल गांधी को? प्रियंका गांधी? देना नहीं है हमारा इधर से कोई लेना देना नहीं है। मामा से क्या रिश्ता है कि मामा से मामा से है ना, मामा है वो।
हमारे मामा है, जगत मामा है। मामा है, मामा है। तो मामा कोई चाहती हो? बिल्कुल, मुझे लाडली बहना के 1000 भी नहीं मिलते, उसके बाद भी मैं वोट वहीं पे ही दूंगी। अरे तो कांग्रेस को तो वो 1500 देंगे। मत दो, नहीं चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए ना, 1500 नहीं चाहिए। सिलेंडर 500 में, टंकी सिलेंडर टंकी। वो तो यूं भी आएगी, सही ना, हो जाएगा वो तो। वो बैठेगी सरकार तो खुद ब खुद परिवर्तन हो जाएंगे। होएंगे ना, मामा पे विश्वास है, भरोसा, बिल्कुल 100%। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, ये बागली विधानसभा है। बागली विधानसभा में भाई साहब, बागली में क्या नजर आ रहा है? नया प्रत्याशी है, पहली बार टिकट मिला है, क्या लगता है प्रत्याशी जो मैदान में है, लग रहा है कि उनको जिता देना चाहिए कि नहीं, लग रहा है कि नहीं इस बार तो हरा दो उनको? नहीं, जीतेंगे जीतेंगे मुरली। हाँ, मुरली भमरा जीतेंगे, क्योंकि शिवराज शासन में बहुत सारे काम हुए हैं, उनके काम बोलता है, और वो जीतेंगे, और अच्छे वोटों से जीतेंगे। जिता के भेजेंगे यहाँ पे, सभी समुदाय के लोग उनसे खुश हैं, मामा से, और मामा के कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा है, और इतने दिनों में लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था सभी अच्छी है यहाँ पर। मामा ही आएंगे वापस, मामा ही आएंगे। इधर आइए भैया, इधर आइए। ये क्या है मामा? भाई खोलना जरा, एक मिनट, बटन खोलो आज। ये तस्वीर, ये क्या है? शिवराज मामा छाती पे लगा लिया। हाँ, लगा लिया, छाती से लगाया ही है। कह रहे मामा तो झूठे हैं। नहीं झूठे हैं, नहीं, हटाओ मामा को, नहीं, निकालो ये टी शर्ट, नहीं नहीं, कमलनाथ की पहनो। नहीं पहनेंगे कमलनाथ की। अरे वो बढ़िया वाली टी शर्ट देंगे। नहीं, ये अच्छी हमको। मामा कुछ नहीं दे रहे। अरे कैसे नहीं दे रहे, बहुत कुछ दे रहे हैं। तो झूठे हैं मामा। नहीं नहीं, मामा को ही लाओगे? मामा को ही लाएंगे। बढ़िया टी शर्ट पहनी है एकदम, मतलब ये टी शर्ट क्यों पहनी, क्या है ऐसा इसमें मामा में? मामा में तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है मामा में तो। दिल पे बसे मामा तो। क्या इधर आओ, क्या कह रही हो? क्या के मामा तो उसका, हमारे बागली वाले मोल्ला वाले को सबको दिल में बस रहा। मामा दिल में बस गया, वो देख ले, वो बस रहे, अगने बस रहे। हाँ, इधर आना जरा, इधर आओ, ये दिखाएंगी, ये तस्वीर देखिए। क्या बोल रही हो काकी? मैं बुआ लगती हूँ, या मोल्ला की छोरी हूँ मैं। ओ बुआ, बुआ मेरी भी बुआ। हाँ। बुआ बुआ इधर आओ, बुआ से बात करें। ये हमारा, हमारे छोरा का दिल में बस रहे मामा। कहाँ से हटाएगा मामा को, शिवराज मामा को कहाँ से हटाएगा? दिल में बस रही है हमारे छोरा का, मन में है। दिल में बस गया, दिल में बस गया। हाँ, दिल में बस गया। दिल में मामा, दिल में मामा, दिल में मामा, और बाहर मुरली। मुरली बजेगी तो सब कुछ होगा। क्या कह रहे भाई साहब, क्या लगता है केवल मध्य प्रदेश में मामा आ रहे कि जा रहे? बिल्कुल एक तरफा आ रहे हैं मामा। वाह, 130 सीट आएगी, पक्का माहौल है, पक्का माहौल है। बागली विधान टी शर्ट भी पहन रखी है। हाँ, तो बागली विधानसभा तो परंपरागत बीजेपी का है गढ़ है, और मुरली भवरा जो अच्छे मतों से जीतेंगे, अच्छे मतों से। हाँ। जीतेंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है? राजेंद्र कछावा। क्या कहेंगे वो, तो टी शर्ट पहन रखी है मामा की। तो टी शर्ट क्या, बुशर्ट भी पहनना पड़ेगा, तो बुशर्ट भी पहनेगा इंसान तो। बुशर्ट भी, हाँ बुशर्ट भी पहनेंगे, टी शर्ट भी पहनेंगे, सभी पहनना पड़ेगा। बीजेपी का गढ़ है ये, बीजेपी का गढ़ कहाँ है? हवा चल रही है कांग्रेस की। नहीं, कांग्रेस आएगी कैसे? कांग्रेस ने करा क्या, 70 साल राज करा, उसके बाद क्या करा कांग्रेस ने? हाँ, वोट हम देंगे। नहीं बता के जाओ, दिल की बात जा कह रहे हो। अरे कोई बात नहीं, दिल की बात भैया, इनको तो मैंने पकड़ लिया, बताओ आप। हाँ, तो बीजेपी आएगी ना भैया, पूरे एमपी से बीजेपी आएगी। पक्को में? पक्को में। ठोक दूं मोहर? हाँ, मोहर ठोक दो, लॉक कर दूं, लॉक कर दो भले आज ही। क्या कह रहे हैं ये? शिवराज मामा ही आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं टक्कर में नहीं। मुरली भवरा की बागली में इतना ही गाना, खाली जिला नहीं बनाया मामा ने, बस जिला नहीं बनाया। इसकी नाराजगी है तो कांग्रेस को लाओ ना। फिर भी बीजेपी में देंगे, वो विकास उन्होंने बोला, वादा करा बागली के लिए, जिला बनाने के लिए, वो जिला एक दिन बनाएंगे, इसके बाद में बनाएंगे, जिला तो बनाएंगे वो। चलिए, जिला तो बागली विधानसभा की, और ये तस्वीर है, ये जरा देखिए, हालांकि इनकी छाती पर मामा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बीजेपी एन बीजेपी, बस भाई बीजेपी। कांग्रेस वाले कहाँ हैं? अरे वो भाड़ में गए, बीजेपी हमारा
बीजेपी हमने 11 साल 12 साल से संघर्ष करा और हमारे गांव का अगर विधायक खड़ा हुआ तो उसके लिए जान नहीं गर्दन कटवाएंगे और बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को हाँ बीजेपी को बस क्या बस कांग्रेस नहीं नहीं कांग्रेस कोई भी नहीं 11 साल से गर्दन कटवा के आए। चलिए जनता जनार्दन की अपनी राय है, आप इस खबर पर इस वीडियो में अपनी राय रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश बागली विधानसभा से।